हाय गाइस, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन. आई परनीत कौर वेलकम यू टू अन अकेडमी, इंडियाज मोस्ट रेपुटेटेड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म. एंड वी विल प्रैक्टिस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ वोकैबुलरी टुडे. एंड बिफोर दैट कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं. ओके, सो लेट मी जस्ट सी एवरीथिंग इज फाइन. तो गाइस, इस सेशन में आपको वोकैब के बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे, तो उसे हम ज्वाइन करते हैं. ओके, उससे पहले वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट स्टफ्स रिगार्डिंग द बैचेस विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 27th अक्टूबर. 27th अक्टूबर को बहुत सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और आपकी बहुत सारी क्लासेस जो हैं गाइस वो 3rd नवंबर से भी स्टार्ट होने वाली हैं. तो आप 3rd नवंबर वाली बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं. दीज बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड नवंबर एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एजुकेटर्स की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं. ठीक है, इसमें यू हैव फीनिक्स टीम फीनिक्स बैच जिसमें आप कोड अप्लाई कर सकते हैं परी10, और इस कोड को अप्लाई करके आप अन अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं. इस कोड से गाइस आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है. ठीक है, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं. देन यू कैन गो फॉर सफलता बैच जो 3rd नवंबर को स्टार्ट हो रही है. सो आपका फेस्टिवल के टाइम पे आपको थोड़ी स्टडीज साथ में रखनी चाहिए ताकि आपका टाइम जो है बचा रहे. तो सफलता बैच सीजल CHSL के लिए ज्वाइन कर सकते हो. ये बैच स्टार्ट हो रही है जो अपकमिंग सीजल CHSL की तैयारी करना चाहते हैं. ठीक है, फिर आपकी एक फाउंडेशन बैच CPO के लिए आ रही है. आपको पता है CPO के नोटिफिकेशन आने वाले हैं, मीन्स के एग्जाम भी आने वाले हैं. सो ये बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd नवंबर. मैं आपको काफ़ी सारी बैचेस में मिल जाऊंगी, चाहे पिक हो ना हो, बट वी आई एम इन द मोस्ट ऑफ द बैचेस. सो यू कैन स्टडी इंग्लिश. मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ अन अकेडमी में. ठीक है, आप मुझे अन अकेडमी में फॉलो कर सकते हैं. मेरी लिंक आपको दे दी जाएगी, आप वहाँ से मुझे या यू कैन फॉलो माई क्लासेस. ठीक है, फुल कवरेज होगा सिलेबस का. स्टेनोग्राफर फॉर SSC स्टेनोग्राफर, या स्टेनोग्राफर गलत लिख दिया, यहाँ पे CPO होना चाहिए. ठीक गाइस, क्लासेस विल बी टॉट इन हिंदी एंड नोट्स विल बी प्रोवाइडेड इन इंग्लिश. तो आपके पास हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल क्लासेस होती हैं आपकी SSC अन अकेडमी में. ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. 400 hours उसमें कंज्यूम्ड होंगे. अनलिमिटेड एक्सेस टेस्ट होगा, मॉक्स होंगे, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे. तो अगर आप CPO के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, आप सीजल CHSL के लिए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप सीजल के लिए बैच ज्वाइन करना चाहते हैं अगेन टीम फिनिक्स की, तो बहुत सारी बैचेस आप लोगों की स्टार्ट हो रही है. CT की जो आपका नया अपकमिंग पैटर्न है SSC और बैंकिंग और रेलवे का कॉम्बिनेशन जो एग्जाम होने वाले हैं, तो उसकी बैचेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो विद द सेम कोड परी10. ये कोड को अप्लाई करके आप ज्वाइन करेंगे अन अकेडमी. ठीक है, ये कोड का फ़ायदा मैं आपको बता दूंगी. आपके पास एक ऑल GS की स्पेशल बैच है जिसमें सारे GS के एजुकेटर्स आपको मिल जाएंगे. ओके, देन यू हैव अग्नि बैच बाय प्रतियोगिता मंत्रा. तो प्रतियोगिता मंत्रा की अपनी टीम की बैच है जिसमें आपके 15th नवंबर से ये बैच स्टार्ट होगी. ओके, तो ये वाली बैच 15th नवंबर से स्टार्ट होने वाली है. आस्क अ डाउट बाय अन अकेडमी. तो गाइस, अन अकेडमी में आपको बहुत अच्छे फीचर्स दिए जाते हैं जिसमें आप अपने डाउट्स है ना, अपने डाउट्स एजुकेटर्स को मतलब अन अकेडमी को भेज सकते हो, और वहाँ पे आपके डाउट्स जो हैं वो पर्टिकुलरली सॉल्व करवाए जाएंगे. ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सेशन है. दैट मीन, क्योंकि अगर आपको कोई डाउट है तो आपको उसको साथ में लेकर नहीं चलना होगा, आपको वो क्लैरिटी अन अकेडमी देंगे. ठीक है जी, आपके लिए मैंने जो बोला कि आपको कोड अप्लाई करना है परी10, रीज़न इज गाइस, इस कोड से आपको क्या क्या मिलने वाला है. इस कोड से आपको गाइस, परी10 कोड से आपको 1 year के सब्सक्रिप्शन में 4 months का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा. दैट मीन्स इफ यू टेकिंग फॉर 12 months, आपको 4 months और मिल जाएंगे. ठीक है, अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, दैट मीन्स 24 months का, तो आपको 8 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा. तो ये आपके फ्री सब्सक्रिप्शन है. ओके, ये आपके फ्री सब्सक्रिप्शन है जो आपको इस कोड से मिलेंगे. दूसरी चीज़ आपको, एक तो ये चीज़ अवेलेबल हो जाएगी, दूसरी चीज़ आपको दैट डजेंट मीन कि आपका प्राइस बढ़ जाएगा या कुछ नहीं, आपको इस कोड से डिस्काउंट भी मिलेगा. ठीक है, आपको इस कोड से डिस्काउंट मिलेगा. इस कोड से आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी. ठीक है जी, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, आपको मॉक्स मिल जाएंगे, आपको ऑल एजुकेटर से पढ़ने का, ऑल सब्जेक्ट्स के, ऑल सब्जेक्ट्स और ऑल एजुकेटर्स. ठीक है, बेस्ट एजुकेटर्स, तो आपको बेस्ट एजुकेटर से ऑल सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिलेगा. आपने देखा अलग अलग बैचेस हैं, तो आपके SSC कई, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं SSC के लिए, लाइक CPO के लिए बैच ज्वाइन कर लिया, फिर CGL के लिए कर लिया, तो आपको बार बार पैसे इन्वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. एक बार आपने SSC कैटेगरी ले ली है तो आपकी CGL
ठीक है, एसएससी के सारे एग्जाम जैसे कि आपका सीजल हो जाएगा, सीएचएसएल हो जाए, ठीक है, आपका स्टेनो हो जाए, फिर आपके सीपीओ हो जाए, एमटीएस हो जाए, आपके जीडी कांस्टेबल हो जाए, ओके, फेज 9, हर तरह की आपको यहाँ पे बैचेस मिल जाएंगे. दैट मीन्स यू आर इन्वेस्टिंग फॉर कंप्लीट एसएससी प्री के लिए और साथ में मेंस के लिए और साथ में टीयर 3 के लिए भी. तो कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ एसएससी यू विल गेट इन 5 to 7 thousand rupees, जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं. ठीक है, अन अकेडमी के इंटरेस्टिंग फीचर्स है जैसे रेज हैंड, दैट मीन्स यू कैन टॉक टू योर एजुकेटर्स, क्लास में लाइव आप एजुकेटर से बात भी कर सकते हैं थ्रू कॉल्स, ओके, एंड कॉम्बैट ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, आपको गाइस मैंने जैसे कि कहा कि यहाँ पे ये कोड अप्लाई करना है और इस कोड से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. तो जो प्राइस है आपका 7800 रुपीज़ या 6500 रुपीज़ फॉर 1 और 2 ईयर, ये आपको पे नहीं करना पड़ेगा, आपको इससे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, तो आपको यहाँ पे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. तो डू अप्लाई द कोड एंड ज्वाइन अन अकेडमी. ओके, तो मैंने आपको सारी चीज़ें अन अकेडमी से रिलेटेड बता दी हैं, आप इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा. और थर्ड को काफ़ी सारी बैचेस स्टार्ट हो रही है, मेरी 2 बैचेस स्टार्ट हो रही हैं. ओके, 3 नवंबर को गाइस मेरी 2 बैचेस स्टार्ट हो रही हैं. वन इज़ ग्रामर, ठीक है, ग्रामर की एक बैच स्टार्ट हो रही है विच इज़ एट 11 AM. ठीक है, एक बैच मेरी ग्रामर की स्टार्ट हो रही है, एक मेरी प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो रही है. ओके, वन इज़ प्रैक्टिस बैच विच इज़ एट 2 PM. तो आप इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ज़रूर इन बैचेस को ज्वाइन कर लीजिएगा. ओके गाइज, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन नाउ, लेट्स गो फॉर द क्वेश्चंस. सो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज सिनोनिम ऑफ ओशन. ओके, सो काफ़ी टाइम मैंने इस बाद इस स्क्रीन में सॉल्व करना. ओके, यू हैव टू टेल मी द सिनोनिम ऑफ फ्यूड. ओके, फ्यूड का सिनोनिम बताएंगे नसेंट, न्योफाइट, ऑब्फ्यूस्केशन या फिर हॉस्टिलिटी. वॉट इज द सिनोनिम ऑफ फ्यूड? ठीक है, सिनोनिम बताएंगे फ्यूड का क्या आंसर होगा. जल्दी से सेशन को शेयर कर दो यार, बता दो अपने फ्रेंड्स को कि क्लास स्टार्ट होगी ताकि आपकी फ्रेंड्स भी इस क्लास को ज्वाइन कर सके. ओके, जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दो, फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दो कि क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है. राइट, चलिए जी, तो इसका आंसर बताएंगे क्या होता है. वॉट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूड? तो फ्यूड का मतलब होता है हॉस्टिलिटी, झगड़ा. ठीक है, झगड़ा. फ्यूड का सिनोनिम होता है, मतलब फ्यूड का मतलब होता है झगड़ा होना. जनरली फ्यूड जो होता है फैमिलीज के बीच में होता है. ठीक है, जनरली फ्यूड जो होता है फैमिली के बीच में होता है झगड़ा. ठीक है, तो जब फैमिली के बीच में झगड़ा हो जाए, क्वारल हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो उसे हम फ्यूड कहते हैं, उसे हम फ्यूड कहते हैं. ओके गाइस, वेंडेटा, फ्यूड, यस, वेंडेटा, फ्यूड, राइवलरी, ये आपके हो जाएंगे. ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं स्पीड से. ओके, सो गाइस, नेक्स्ट सिनोनिम इज डिस्पर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्पर्स. व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिस्पर्स? मैकनाइजेशन, मेलिफिक, मेंडिकेंट या फिर एक्सपेंड? स्पीड से आंसर देंगे गाइस. शालिनी, अमन, ओके ग्रेट. सो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिस्पर्स? डिस्पर्स का सिनोनिम क्या होगा? मैकेनाइजेशन, मेलिफिक, मेंडिकेंट या फिर एक्सपेंड? व्हाट इज द सिनोनिम? हाँ जी गाइस, जल्दी से बताएंगे व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिस्पर्स? मैकेनाइजेशन, मेलिफिक, मेंडिकेंट या फिर एक्सपेंड? या ओके, समबडी सेइंग ई. बेटा ई ऑप्शन ही नहीं है, थोड़ा ध्यान से. डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? सो डिस्पर्स का सिनोनिम होता है एक्सपेंड. ठीक है, डिस्पर्स करना मतलब बिखेर देना, डिस्पर्स कर देना. एक्सपेंड नहीं है, एक्सपेंड है. ओके, डिस्पर्स का सिनोनिम हो जाएगा एक्सपेंड करना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें. चलिए जी, कैलुमिनेट का सिनोनिम बताएंगे स्पीड से. आपका टेस्ट चल रहा है. ओके, दिस इज योर टेस्ट गोइंग ऑन वोकैबुलरी. तो मुझे बताते जाएंगे सिनोनिम ऑफ कैल्यूमिनेट. व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कैल्यूमिनेट? नॉन चैलेंज, इनवायलेट, स्लैंडर या फिर लैक्रिमोस? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कैल्यूमिनेट? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कैल्यूमिनेट? नॉन चैलेंज, इनवायलेट, स्लैंडर या फिर लैक्रिमोस? क्या आंसर होना चाहिए? ओके, जॉर्डन, शिवा, शालिनी, वेरी गुड, पवन, बी,
अमन से सी. ओके तो सबके अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं. लेट मी चेक कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर होगा गाइस स्लैंडर, किसी को बुरा भला कहना. ठीक है, स्लैंडर करना, किसी को बुरा भला कहना, किसी को नीचा दिखाना, हम कह सकते हैं किसी को नीचा दिखाना, है ना, किसी को नीचा दिखाना इस स्लैंडर करना. ठीक है, किसी को नीचा दिखाना उसको उसे हम कहते हैं स्लैंडर. ठीक है, उसे स्लैंडर करना कहा जाता है. ठीक है जी, आगे मूव ऑन करें. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इंटीग्रिटी का सिनोनिम, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इंटीग्रिटी. ठीक है, जल्दी से करेंगे, काफी सारे क्वेश्चन सामने करने हैं. व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इंटीग्रिटी, फॉर्चूसली, गौशरी, इग्नोमिनी या फिर रेक्टिट्यूड. व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इंटीग्रिटी, फॉर्चूसली, गौशर, इग्नोमिनी या फिर रेक्टिट्यूड. ओके व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इंटीग्रिटी गाइस, रेक्टिट्यूड, वेरी गुड. ठीक है, सिनोनिम ऑफ इंटीग्रिटी इज रेक्टिट्यूड, ईमानदारी, है ना, रेक्टिट्यूड इज ईमानदारी. रेक्टिट्यूड का मतलब होता है ईमानदारी. ठीक है, कि आप कितने ईमानदार हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी. ठीक है, उसे हम इंटीग्रिटी का सिनोनिम कहते हैं. रेक्टिट्यूड का मीनिंग हो जाएगा इंटीग्रिटी. ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्काउच, सिनोनिम ऑफ स्काउच, इजोटेरिक, डिस्ट्रॉय, फर्ब्लो या फिर फ्लाउंस. बहुत अच्छे और डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं. तो सिनोनिम ऑफ स्काउच, इजोटेरिक, डिस्ट्रॉय, फर्ब्लो या फिर फ्लाउंस. वट इज द सिनोनिम, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स गाइज. आदिल, शाकुन, उपेंद्र, नंदन, पवन, जॉर्डन. ओके वट इज द सिनोनिम ऑफ स्काउच, इजोटेरिक, डिस्ट्रॉय, फर्ब्लो या फिर फ्लाउंस. जल्दी से आंसर देंगे. डी डी. ओके तो करेक्ट आंसर गाइज डिस्ट्रॉय होता है. स्काउच का मतलब होता है किसी चीज को नष्ट कर देना. ठीक है, नष्ट करना, स्काउच का मतलब होता है किसी चीज को नष्ट कर देना, तबाह कर देना, तबाह करना. ठीक है, किसी चीज को तबाह कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, दैट इज स्काउच. ठीक है, उसे हम कहते हैं स्काउच. ओके जी, लेट्स सी दिव्यांश, अभी तक तो नहीं है और अभी आपका ग्रेजुएशन लेवल पे होगा. आई थिंक 10+2 में अभी CHS लेवल पे शायद ना आए. फर्स्ट मुझे लगता है ग्रेजुएट लेवल पे होगा, देन थिंग्स विल चेंज टू MTS, CHS एंड देन MTS मेरे हिसाब से. ठीक है, इनकरेज हो सकता है. इनकरेज तो बेटा, इनकरेज तो मतलब किसी को मोटिवेट, किसी को उत्साहित करना. स्काउजेस किसी को डिस्ट्रॉय करना. ठीक है, चलो स्पन, स्पन का सिनोनिम बताएंगे. व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ स्पन, कॉसेट, कॉटरी, एनक्लेव या फिर रिजेक्ट. ओके स्पन का आप लोग मुझे सिनोनिम बताएंगे, कॉसेट, कॉटरी, एनक्लेव या फिर रिजेक्ट. ओके नवीन का आंसर आया है, वेटिंग फॉर द आंसर्स गाइस. नंदन, लेट्स सी नंदन. देखो अभी नोटिफिकेशन तो नहीं आया और कोई भी मतलब मुझे लगता है कोई किसी को गैसिंग करनी नहीं चाहिए, क्योंकि गैस हम कर दें और फिर आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दें जो सही ना हो और आप इस पर डिपेंड हो जाओ तो सही नहीं होगा, है ना. तो कॉसेट का सिनोनिम होता है रिजेक्ट कर देना. ठीक है, सो कॉसेट का सिनोनिम होता है नंदन वर्स नवीन वर्स राइट, रिजेक्ट करना. ठीक है, किसी चीज़ को नकार देना. ओके किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, दैट इज स्पन.
ठीक है, स्पर्न का मतलब होता है किसी चीज का रिजेक्ट कर देना, ठीक है जी। लेट्स सी, वेट करते हैं, वेट करते हैं, अभी आप लोग ज़्यादा स्ट्रेस मत हो, क्योंकि देखो जो भी पैटर्न चेंज होगा, जो भी पैटर्न होगा वो सबके लिए होगा, है ना, आपके किसी के अकेले के लिए नहीं होगा। तो जितने भी चेंजेस करने होंगे सबको करने होंगे, मगर आप लोग अनअकैडमी के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग को ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट, क्योंकि जो भी चेंजेस होंगे वो आपके टीचर्स उस पर पहले ही वर्क कर लेंगे, ठीक है, उसमें आपके टीचर्स पहले ही वर्क कर लेंगे, उसमें वी विल वर्क हार्ड फॉर द चेंजिंग पैटर्न एंड यू डोंट वरी, वी विल टीच यू, ठीक है, उसकी आप लोग परेशानी ना लें, ओके जी। चलो, टेल मी द सिनोनिम ऑफ पेन्स टेकिंग, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पेन्स टेकिंग, मॉरिबन, सर्कमस्पेक्ट, नेमेसिस या फिर नॉस्टैल्जिया, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पेन्स टेकिंग, मॉरिबन, सर्कमस्पेक्ट, नेमेसिस या फिर नॉस्टैल्जिया, क्या आंसर होना चाहिए, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पेनस्टेकिंग, ओके, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पेनस्टेकिंग, मॉरिबन, सर्कमस्पेक्ट, नेमेसिस या फिर नॉस्टैल्जिया, या तो पेनस्टेकिंग का मतलब होता है सर्कमस्पेक्ट, ओके, पेनस्टेकिंग का सिनोनिम हो जाएगा सर्कमस्पेक्ट करना चीजों को, ठीक है, यस। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें जल्दी से गाइस, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है। रीज़न क्या है कि आपकी 4 PM पे, 4:15 पे आपकी न्यू स्पेशल क्लास है, ठीक है, स्पेशल क्लास में मैं आप लोगों को एक मॉक सॉल्व करवाऊंगी, ओके, एक मैं आपको मॉक सॉल्व करवाऊंगी, आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, कुछ आपके अपकमिंग कुछ फ्रेश क्वेश्चंस, तो एक आपको मॉक करने को मिलेगा और आपको वोकैब भी करवाऊंगी वहाँ पे। तो ये और वो स्पेशल सेशन में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि आपका आंसर्स आप लोग पोल में देंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर होता है ना अकेडमी में, तो आपको आंसर पोल में देना है, विच इज़ वेरी नाइस फीचर, आप लोगों को मज़ा भी आता है देने में आंसर, एंड है ना, तो वो क्लास फ्री होती है, ठीक है, ये क्लास फ्री होती है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कोड आपसे मांगेगा जब भी आप ज्वाइन करोगे ना, तो आपसे एक इन्विटेशन कोड मांगेगा और वो कोड आपका परी10 है, आपको अप्लाई करना है इस कोड को और अप्लाई करके आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, तो कोड परी10 लगा लीजिएगा या तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा स्पेशल क्लास को। सिनोनिम ऑफ सेंसोरियस, ओके, सिनोनिम ऑफ सेंसोरियस, मेसमेरिस्ट, मिनिमल, मिशमैश या फिर कंटेम्पचुअस, ठीक है, सिनोनिम ऑफ सेंसोरियस, यस का लेवल देखो गाइस, लेवल में आप डाउन करती रहती हूँ, कभी कभी इजी, कभी हार्ड, कभी डिफिकल्ट, तभी पेपर सॉल्व करने में मजा आती है, राइट। तो सेंसोरियस इज मेसमेरिस्ट, मेसमेराइज बोलते हैं ना, मेसमेराइज करना, तो इट्स काइंड मेसमेराइज करना, मिनिमल करना, मिस स्मैश कर देना सब कुछ, या फिर कंटेम्पचस होना, क्या आंसर होगा, सीनिंग ऑफ, ये वर्ड आप पढ़ चुके हो, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ, सेंशो, लेट मी गिव यू द हिंट, हाँ कई बार आप ये वर्ड पढ़ चुके हैं, आपके एग्जाम में कई बार आ भी चुका है ये वाला वर्ड, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सेंसोरियस। सेशन को शेयर कर दिया करो, आपके अनअकैडमी के जो सेशंस होते हैं आप लोगों को उसको थोड़ा शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि बिना शेयर के काम नहीं चलेगा, राइट, हाँ जी। तो करेक्ट आंसर आपका होगा सेंसोरियस का मतलब होता है, सेंशो करने का मतलब होता है किसी की निंदा करना, है ना, सेंशर करने का मतलब होता है किसी की निंदा करना, राइट गाइस, सेंशर करने का मतलब होता है किसी व्यक्ति की निंदा करना, निंदा इज कंटेम्पचुअस, कंटेम्प्ट करना, निंदा करना, या किसी के बारे में बुरा भला कहना, ठीक है, किसी के बारे में बुरा भला कहना इज कंटेम्पचुअस, राइट। चलो, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस, रेंच, रेंच का सिनोनिम क्या होगा, इनेट, मैल एड्रॉइट, मर्टिनेट या फिर यंग, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रेंच, इनेट, मैल एड्रॉइट, मर्टिनेट या फिर यंग, इनेट, मैल एड्रॉइट, मर्टिनेट या फिर यंग, नाइस क्वेश्चंस गाइस, ट्राई, मेक, गिव इट अ ट्राई, धीरे धीरे हो जाएंगे,
What is the synonym of wrench? Innate, maladroit, pertinent, या फिर यंक? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यंक. करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यंक, राइट? कोई डाउट नहीं है इसमें किसी को? या चलो आगे बढ़े. यस, मेलेड्रॉइड का मतलब होता है वन हु इज नॉट निपुण, ठीक है, जो निपुणता नहीं हो. इनेट इज इनबॉर्न, मर्टिनेट इज समथिंग दैट इज ऑब्वियस, एंड यंक इज समथिंग व्हेन यू पुल समथिंग, जब किसी पे झटका लगता है उसे हम यंक कहते हैं, रिंच करना, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन गाइस. आउस्ट, ओके, सिनोनिम ऑफ आउस्ट, इनआर्टिकुलेट, इनडोमिटेबल, ऑस्ट्रेसाइज या फिर इनजेनेटिव. What is the synonym of oust? ये question मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, ठीक है. Synonym of oust. What is the synonym of oust? Inarticulate, indomitable, ostracize या फिर ingenuity. क्या आंसर होना चाहिए? Okay. Inarticulate, indomitable, ostracize या फिर ingenuity. So correct answer is guys ostracize. आउस्ट करना, ऑस्ट्रसाइज करना एक ही चीज होती है, जब हम किसी चीज को निकाल देना है ना, निकालना, किसी चीज को बाहर निकाल देना, कट कर देना है ना, किसी चीज को कट कर देना. मैंने आपको ट्रिक दिया था उस तरह से ऑस्ट्रसाइज करते हैं, मैंने आपको ट्रिक दिया गाइस कि उस तरह से ऑस्ट्रसाइज कर दिया जाता है, उस तरह से ऑस्ट्रसाइज कर दिया जाता है, राइट? तो सी वॉज योर आंसर, राइट? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करें. तो वी आर डन विद द सिनोनिम्स, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स सम एंटोनिम. कुछ एंटोनिम्स करते हैं, ओके. तनिष्क चौहान, तनिष्क नाइस नेम बेटा. आलिया, जॉर्डन, पवन, नंदन, शालिनी, अंकित, नवीन, ओके, ग्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, फार फेच्ड का एंटोनिम बताएंगे. व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ फार फेच्ड? वाइज, प्रूडेंट, लोकेटेड फॉर या फिर रियलिस्टिक, ठीक है. फार फेच्ड का एंटोनिम बताना है, उसका ऑपोजिट बताना है. आपको उसका ऑपोजिट बताना है, ओके. एंटोनिम ऑफ फार फेच्ड. ओके, रियलिस्टिक, नवीन से इज रियलिस्टिक. ओके, सो डिफरेंट आंसर. प्रूडेंट, ओके. तो गाइस, फार फेच्ड का मतलब होता है कोई चीज जो कि मतलब रियलिस्टिक ना हो, इमेजिनरी हो, ठीक है. मतलब ये बोलते ना इमेजिनरी, जिसको पाना नामुमकिन हो, समथिंग जिसको पाना बहुत मुश्किल हो या नामुमकिन हो, बिकॉज इट इज नॉट रियलिस्टिक, ठीक है. एंटोनिम हो जाएगा कोई चीज रियल है, ऑथेंटिक है, रियलिटी में है, ठीक है. तो फार फेच्ड इज समथिंग दैट इज नॉट रियल, एंड एंटोनिम इज रियलिस्टिक, समथिंग जो कि रियलिस्टिक होता है, ठीक है. समथिंग जो कि रियलिस्टिक होता है उसे हम कहेंगे एंटोनिम ऑफ फार फेच्ड. प्रूडेंट का और वाइज मतलब आप जानते हैं दोनों सेम ही होता है, दैट मीन समझदार. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. ओके, या नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइस, टेक्स ऑफ, ओके, टेक्स ऑफ, ट्रेवल्स, फॉल्स, एक्सप्लोर्स या फिर लैंड्स. ओके, यू नीड टू टेल मी द एंटोनिम ऑफ टेक्स ऑफ. टेक ऑफ, टेक्स ऑफ, ट्रेवल, फॉल्स, एक्सप्लोर्स या फिर लैंड्स. प्रूडेंट मीन समझदार, वाइज. ओके, तो टेक्स ऑफ का मतलब क्या होगा? ट्रैवल करना, फॉल करना, एक्सप्लोर करना या फिर लैंड करना, क्या आंसर होगा? या सो सिंपल, तो करेक्ट आंसर होगा आपका लैंड करना. टेक ऑफ, जैसे प्लेन जब टेक ऑफ करता है, ठीक है, और एंटोनिम हो जाएगा फिर वो लैंड करता है, राइट? आपका फोन जो फोन कह रही हो, आपका प्लेन जो है पहले टेक ऑफ करता है एंड देन लैंड करता है, तो लैंड हो जाएगा, राइट? तो फ्लाइट टेक ऑफ करती है और फिर लैंड करती है, तो लैंड आपका ऑपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, राइट? नो प्रॉब्लम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निगार्डली, ओके, एंटोनिम ऑफ निगार्डली, हैस्टिली, लैविशली, लाइटली या फिर गॉर्जियसली. ओके,
एंटोनिम ऑफ निगार्डली, हैस्टिली, लैविशली, लाइकली या फिर गॉर्जियसली, क्या आंसर होगा? एंटोनिम ऑफ निगार्डली, हैस्टिली, लैविशली, लाइकली या फिर गॉर्जियसली. सो यप, आलिया, मेहुल, जॉर्डन, नंदन, सौरव, नवीन, ओके, चौस्टन, रंजन, आलिया, नवीन, नंदन, रोहित, ओके गाइस, हेलो रोहित. तो व्हाट शुड बी द आंसर? निगार्डली, हैस्टिली, लाविशली, लाइकली या फिर गॉर्जियसली. ठीक है, सी गाइस, निगार्डली का मतलब होता है, निगार्डली का मतलब होता है कंजूसी, है ना? निगार्डली का मतलब होता है कंजूसी से. जब आप कोई चीज बहुत कंजूसी से करते हैं ना, बहुत कंजूस हो रहे होते हैं ना, लाइक नॉट इंटरेस्टेड ऑन स्पेंडिंग, ठीक है, निगार्डली, बहुत कंजूसी से. और एंटोनिम हो जाएगा लैविशली, ठीक है, जो लोग लैविश लाइफ जीते हैं तो यू नो कि वो हर चीज में ओवर स्पेंड करते हैं, मतलब दे गो फॉर लग्जूरियस थिंग, और लग्जूरी जो होती है हमेशा बहुत एक्सपेंसिव होती है ना, तो लग्जरी पे जो लोग जिंदगी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो दे लिव लैविशली, है ना, दे स्पेंड मोर एंड मोर मनी. गॉर्जियसली मतलब खूबसूरती, हास्टली जल्दबाजी में, ये नहीं होगा आपका करेक्ट आंसर, हो जाएगा लैविशली. निगार्डली का मतलब होता है निगार्डली, पिंच पेनी, दैट मीन्स समथिंग इज समथिंग वेरी, हाँ कंजूसी से, हाँ कंजूसी से कर सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं माइजर होना, ठीक है, हम कह सकते हैं कि माइजर होना, कंजूस होना, ठीक है जी. हाँ एंटोनिम आपका एक्स्ट्रा वैगन भी हो सकता है, राइट नंदन, नो प्रॉब्लम. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं यार. मेलोडियस, ओके, एंटोनिम ऑफ मेलोडियस, हार्मोनियस, ट्यूनलेस, ओडियस या फिर मेलीफ्लुअस. ओके मेलोडियस का एंटोनिम बताएंगे, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मेलोडियस? हार्मोनियस, ट्यूनलेस, ओडियस या फिर मेलीफ्लुअस. ट्यूनलेस एक्स्ट्रा, रोहित सेज बी, नंदन सेज बी, ओके सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर सेइंग बी. अपने अपने आंसर बता दो, जॉर्डन इज बी, रोहित अगेन, तो काफी सारे स्टूडेंट का आंसर जो है वो यही आ रहा है, तो एक बार देख लेते हैं. यप, सो करेक्ट आंसर इज गाइस ट्यूनलेस, वेरी गुड. ठीक है, मेलोडियस इज सुर, सुर ताल होना ना, सुरीला. मेलोडियस इज समथिंग जो कि बहुत सुरीला हो, है ना, तो कुछ सुरीले को मेलोडियस कहा जाता है. और एंटोनिम इज ट्यूनलेस, जिसमें ट्यून मतलब ट्यून ही गड़बड़ हो, अब ट्यून ही खराब हो, तो उसे मतलब कि कर्कश होना, कानों को चुभने वाला इज ट्यूनलेस, है ना. ओके आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें जल्दी से, हमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं. एडवांस्ड, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एडवांस्ड? सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, एंटोनिम्स आर सिंपल. एंटोनिम ऑफ एडवांस्ड, प्रोग्रेस्ड, आउटपेस्ड, रिसीडेड या फिर रन बैक. ओके एंटोनिम ऑफ एडवांस्ड, प्रोग्रेस्ड, आउटपेस्ड, रिसीडेड या फिर रन बैक. ओके तो एडवांस का मतलब आगे मूव ऑन करना होता है, राइट, मूव आगे बढ़ना होता है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? नवीन, रंजन, नंदन, रोहित, तनिष, ओके लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया गाइस. तो करेक्ट आंसर आपका रिसीडेड हो जाएगा. रिसीडेड का मतलब होता है पीछे हटना, पीछे होना या पीछे हटना, पीछे होना कर देते हैं, ठीक है, पीछे होना या पीछे जाना, ठीक है, पीछे जाना इज रिसीडेड और एडवांसेस आगे जाना, है ना, आगे जाना, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें. ओके ग्रेट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनलाइटेंड. ओके एंटोनिम ऑफ इनलाइटेंड, स्लैंडर, बिमोन, इग्नोरेंट या फिर बिफोर. व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इनलाइटेंड? स्लैंडर, बिमोन, इग्नोरेंट या फिर बिफोर, क्या आंसर होगा?
एंटोनिम ऑफ इनलाइटन स्लैंडर बिमोन इग्नोरेंट या फिर बिफोर. हाँ जी सुजीत जी आंसर दीजिए बेटा. इनलाइटेंड का एंटोनिम क्या होगा? आपने ये वर्ड बहुत पढ़ा होगा हिस्ट्री में आई एम श्योर. ये वर्ड इनलाइटेंड वर्ड आपने हिस्ट्री में आई एम श्योर पढ़ा होगा जो इंग्लिश मीडियम से है. याद करो बौद्ध पीरियड में है ना, बौद्ध और महावीर पीरियड में हम बोलते हैं ना ही गॉट इनलाइटमेंट. ठीक है, ही वॉज इनलाइटेड एट द एज ऑफ 25 और 35. Right, that means he got knowledge. ठीक है, got knowledge of something. Enlightened means enlightened का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति. Antonym हो जाएगा ignorant, है ना? Antonym हो जाएगा ignorant. Enlightened का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति. Right? मैंने कहा आपने पढ़ा होगा, तो आप सब ने पढ़ा ही होगा generally बोर्ड पेरेट में. और एंटोनिम हो जाएगा इग्नोरेंट होना. ओके, इग्नोरेंट होना मतलब जिसको नॉलेज की कोई पड़ी ही नहीं है, तो वन इज नॉट कंसर्न. इग्नोरेंट होना, ध्यान ना देना. ठीक है, वो आपका एंटोनिम हो जाएगा. तो इनलाइटेंड इज क्लियर आई थिंक, किसी को कोई डाउट नहीं है. नो प्रॉब्लम गाइस. ओके यार, आप लोग कोड अप्लाई कर लेना अनअकैडमी में परी 10, और इसको कोड को अप्लाई करके आप अनअकैडमी ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, मैक्स डिस्काउंट मिलेगा. प्लस आपको अभी फ्री सब्सक्रिप्शन ऑफर जो है वैलिड वो 31st तक, वहाँ पे मैंने इस पर मेंशन करना भूल गई मैं, 31st अक्टूबर तक ही ये ऑफर वैलिड है. ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि अनअकैडमी आपको 1 ईयर पे मैं आपको शो कर दूंगी. अभी 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन दे रही है एंड 2 ईयर पे यू आर गेटिंग 8 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री. तो दिस फ्री सब्सक्रिप्शन इज वैलिड टिल 31st अक्टूबर. तो 31st अक्टूबर तक ही ऑफर वैलिड है. तो प्लीज़ गाइस, आप लोग इस ऑफर को मिस नहीं कीजिएगा, आप उसको ऑफर को ज़रूर ले लीजिएगा. ठीक है, नहीं तो आपको बाद में ज़्यादा पे करना पड़ेगा. ठीक है मैम, बिमोन का बिमोन बी विल डेप्लोर, इसका मतलब होता है विलाप करना, बहुत रोना, विलाप करना. ओके, रोना धोना इस बिमोन. ठीक है, रोना धोना आलिया इस बिमोन. ओके ठीक है, इस तो कोड आप लोग अप्लाई जरूर कीजिएगा परी 10. इस कोड से आपको मैक्स डिस्काउंट मिल जाएगा. सॉरी फॉर दैट. ठीक है, आपको आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा. तो आप इस कोड को ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा. ठीक है, इस कोड को आप लोग ज़रूर अप्लाई करके ज्वाइन कर लीजिएगा 31st अप्रैल 31st अक्टूबर के पहले. सो सॉरी फॉर दैट, 31st अक्टूबर के पहले. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एक्सेप्शनल. एक्सेप्शनल का सिनोनिम क्या होगा? व्हाट इज अ एंटोनिम, आई एम सो सॉरी, एंटोनिम ऑफ एक्सेप्शनल? ग्रेट, ओकेजनल, कॉमन या फिर अब्सॉर्बिंग. What is the antonym of exceptional? Great होना, occasional होना, something that is common या फिर something that is absorbing. What is the antonym of exceptional? Great, occasional, common या फिर absorbing. तो हम बोलते हैं ना wow, that is exceptional. Exceptional का आपको antonym बताना. Exceptional is something जिसमें हम बोलते हैं ना wow factor है. वाव फैक्टर होना. ठीक है, समथिंग जिसमें वाव फैक्टर हो, समथिंग अलग है. बोलते ना ये तो अलग है, बहुत मस्त है, बहुत एक्सेप्शनल है. ठीक है, इसके जैसा कोई नहीं है. तो बोलते ना एक्सेप्शनल है, इसके जैसा कोई नहीं है. तो दैट इज एक्सेप्शनल फॉर यू गाइज. और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कोई चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो. राइट, कोई चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो वो आपका एक्सेप्शनल हो जाएगा. गाइस आज ना 10:30 बजे रात को मैंने एक और आपकी यूट्यूब पे यहीं पे क्लास रखी है जिसमें हम क्लोज टेस्ट करना सीखेंगे. लर्न हाउ टू सेल्फ क्लोज टेस्ट इन सेकेंड्स विद ट्रिक्स. ठीक है, तो क्लोज टेस्ट का सेशन मैं आपको आज रात को 10:30 बजे करवाऊंगी यहीं पर. तो आप लोग ज़रूर आइएगा. ठीक है जी, तो एंटोनिम ऑफ एक्सेप्शनल इज कॉमन. नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट. सो सिंपल क्वेश्चन. एंटोनिम ऑफ परमानेंट, वॉट इज द एंटोनिम ऑफ परमानेंट? लॉन्ग, शॉर्ट, ड्यूरेबल या फिर टेम्प्ररी. वॉट इज द एंटोनिम ऑफ परमानेंट? परमानेंट का एंटोनिम गाइस क्या हो जाएगा? वॉट इज द एंटोनिम ऑफ परमानेंट? लॉन्ग, शॉर्ट, ड्यूरेबल और टेम्प्ररी. ओके,
क्या होगा गाइस, लॉन्ग शॉर्ट ड्यूरेबल या फिर टेम्पररी। तो परमानेंट इज समथिंग दैट इज टेम्पररी, सिंपल सा एम एस धोनी द लेजेंड, ओके ग्रेट। तो कोई चीज़ जो कि परमानेंट टेम्पररी मतलब क्षणिक हो, ठीक है, जो कुछ टाइम के लिए हो, क्षणिक हो, उसे टेम्पररी कह सकते हैं। ड्यूरेबल लॉन्ग, ड्यूरेबल होना और लॉन्ग होना तो आपके परमानेंट का कहीं ना कहीं सिनोनिम हो जाएगा, और परमानेंट का एंटोनिम हो जाएगा जो कुछ टाइम के लिए चले, ठीक है। ओके धोनी जी, दूसरों को भी आंसर देने का टाइम देंगे या फिर आप ही के कॉमेंट जाएंगे, क्या बात है। वेरी गुड दैट यू गिविंग आंसर, दैट्स रियली नाइस, बट दो चार कॉमेंट इज सफिशेंट, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मॉडरेट का एंटोनिम बताना है आपने, टेल मी द एंटोनिम ऑफ मॉडरेट। ओके, एबनॉर्मल, वीक, एक्सट्रीम या फिर सेपरेट। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मॉडरेट, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मॉडरेट, एबनॉर्मल, वीक, एक्सट्रीम या फिर सेपरेट। What is the antonym of moderate? Abnormal, weak, extreme या फिर separate? तो abnormal something जो कि normal ना हो, weak, कमजोर, extreme something बहुत अलग, and separate तो आप जानते हैं। तो moderate का मतलब होता है average, है ना। moderate का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत average है, medium मतलब ज़्यादा high नहीं है ना ज़्यादा low है। तो antonym क्या हो जाएगा इसका, something कोई चीज़ बहुत ज़्यादा extreme है, ठीक है, एंड मॉडरेट इज समथिंग दैट इज नॉर्मल एंड मॉडरेट है, एवरेज है, और इसका एंटोनिम हो जाएगा बहुत अति है, बोलते ना कि ये तो बहुत ज़्यादा अति है, अति बहुत ज़्यादा होना किसी चीज़ में, एक्सट्रीम होना, राइट। नो इट्स नॉट एबनॉर्मल, मॉडरेट इज, ठीक है, बोलते यार इनकम तुम्हारी कैसी है, तो मॉडरेट है, ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं, है ना गाइस। किसी की इनकम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, जैसे हम बोले अंबानी की भाई तो एक्सट्रीम इनकम है, मतलब इसमें ऐसे कभी कभार यूट्यूब में सेशंस में देखते हैं ना, एक सेकेंड में 2 लाख रुपए कमाते हैं, तो इस तरह की जो इनकम होती है वो एक्सट्रीम है, हमारे सोच के बाहर होते हैं कि एक सेकेंड में, सीरियसली, ठीक है, समथिंग दैट इज एक्सट्रीम, इज अ स्टूपिड एग्जाम्पल था बट जस्ट केम टू माई माइंड, ठीक है। तो क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। डिफिडेंट, ओके, डिफिडेंस एंटोनिम है, आपको बताना है व्हाट इज द एंटोनिम, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ डिफिडेंस। बोल्डनेस होना, आउटस्पोकननेस होना, फ्लुएंसी होना या फिर ऑब्स्टिनेंसी होना, ठीक है। डिफिडेंस का एंटोनिम क्या होता है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ डिफिडेंस। बोल्डनेस है, आउटस्पोकननेस है, फ्लुएंसी है या फिर ऑब्स्टिनेंसी है। हाँ, मॉडरेट टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर, नाइस एग्जाम्पल आलिया आलिया, ओके। सो सी ऑब्स्टिनेंसी, ऑब्स्टिनेट इज ऑब्स्टिनेट, जो कि लेजेंड आंसर दे रहे, उसका मतलब होता है जिद्दी, ठीक है। और डिफिडेंस का मतलब होता है क्या, डिफिडेंस का मतलब होता है डरपोक, डरपोक होना, ठीक है। डिफिडेंस का मतलब होता है डरपोक होना, फ्लुएंसी, आउटस्पोकन आप जानते हैं, बोल्डनेस भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो क्या आपका एंटोनिम होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। सुजीत सेज ए, जॉर्डन सी, नंदन ढीट, या तो एंटोनिम क्या होगा, डिफिडेंस इज कमजोर होना, वीक होना, डरपोक होना, और एंटोनिम हो जाएगा बोल्डनेस होना, ठीक है। कई लोग बहुत बोल्ड होते हैं, कई लोग बहुत डिफिडेंस शाय होते हैं, उसको शाय भी कह सकते हैं। कई लोग बहुत बोलने से, किसी से बात करने से, पब्लिक में स्पीच देने से, पब्लिक में कुछ भी करने से घबराते हैं, शर्माते हैं, डिफिडेंस होते हैं। और एंटोनिम हो जाएगा कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, बोल्डनेस भी कह सकते हैं कि इज वेरी बोल्ड यार, है ना। एंटोनिम भी बोल सकते हैं कि इज वेरी बोल्ड, राइट, ओके। तो एंटोनिम हो जाएगा बोल्डनेस, ठीक है, नो डाउट, क्लियर है सबको। आगे मूव ऑन करें, आगे मूव करते हैं, ठीक है। नाउ कम टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अभी गाइस आपका ना जो मैं 4 PM वाली क्लास है, 4:15 वाली क्लास होगी ना, उसमें मैं आपको वहाँ पे पोल पे करवाऊंगी, वो कैब भी होगी और साथ में आपके वहाँ पे आपकी वो वहाँ पे क्या कहते हैं, मॉक, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको मॉक और प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर सॉल्व कराऊंगी, जिस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहे हैं, ठीक है जी।
चलिए आप लोग आ जाओ जल्दी से और सेशन को शेयर वेयर करके, ताकि हम लोग अच्छा अच्छा खासा कर सके क्वेश्चन. चलिए जी, तो वन हु टेंड्स टू टेक अ होपफुल व्यू ऑफ लाइफ, है ना. तो वन हु टेंड्स टू टेक अ होपफुल व्यू ऑफ लाइफ, मैग्नेट, क्रिएटर, पैसिफिस्ट या फिर ऑप्टिमिस्ट. ये वर्ड आपके SSC में बहुत ही बार पूछा जा चुका है. वन हु टेंड्स टू टेक अ होपफुल व्यू ऑफ लाइफ, मैग्नेट, क्रिएटर, पैसिफिस्ट या फिर ऑप्टिमिस्ट. ओके ग्रेट. तो ही इज नोन एज ऑफ कोर्स, ठीक है. लेट मी सी द आंसर. नवीन सेज डी, आलिया माय गोल इज माय लाइफ, ओके. स्पर्श आउटस्पोकननेस, ओके. आप पीछे चल रहे हैं थोड़ा सा. तो देखो यार, है ना, जो पॉजिटिव सोचते हैं लाइफ में, ठीक है, जो लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं, उनको हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं. पैसिफिस्ट वो उन्हें कहते हैं जो लोग पीस को प्यार करते हैं, जो मतलब अमन शांति वाले लोग होते हैं, वो पैसिफिस्ट होते हैं, ठीक है. यस. मगर जो लोग, नमस्कार नमस्कार लेजेंड जी, ठीक है, मगर आपके जो ऑप्टिमिस्ट लोग होते हैं, ऑप्टिमिस्ट जो हर चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं, उन्हें हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, है ना. इसका एंटोनिम हो जाता है पेसिमिस्ट. ये वाला वर्ड ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट, जो लोग हर बात में निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, उन्हें पेसिमिस्ट कहा जाता है. ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बिलोंगिंग टू दी टू ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, कॉमन होना, ओके, यूनिवर्सल होना, वर्ल्डली होना या फिर इंटरनेशनल होना. बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या मीनिंग होता है इसका. वट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है. कोई चीज़ कॉमन है, कोई चीज़ यूनिवर्सल है, वर्ल्डली है या फिर हम उसको इंटरनेशनल कहते हैं. अच्छे क्वेश्चन है, ऑप्शन अच्छे हैं, कन्फ्यूज करने वाले, है ना, अच्छे खासे ऑप्शन कन्फ्यूज करने वाले. एक बार चेक करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज यूनिवर्सल, है ना. इसको यूनिवर्सल बोलते हैं ना, ये तो यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल रूल है. तो कुछ लॉज आपके, जैसे ह्यूमन राइट्स जो होते हैं आपके, यूनिवर्सल लॉज होते हैं. जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है, वो हर जगह सेम होते हैं ह्यूमन राइट्स. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऐसा या यहाँ पे वैसा. समथिंग जो कि ऑल पार्ट ऑफ बिलोंगिंग को बिलोंग करता है, उसे हम यूनिवर्सल कहते हैं, वर्ल्डली नहीं कहते. वर्ल्डली तो हम बोलते हैं ना सांसारिक, सांसारिक बोला सांसारिक सुख, समथिंग दैट इज बहुत मटेरियलिस्टिक को वर्ल्डली कहते हैं, ठीक है. जो ऑल पार्ट को बिलोंग कर, उसे हम यूनिवर्सल कहते हैं, ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू बी नोन फॉर बैड एक्ट्स, ठीक है, जो उसके बुरे कर्मों की वजह से जाना जाता है. जो व्यक्ति उसके बुरे कर्मों की वजह से जाना जाए, उसे हम क्या कहते हैं. फेमस होता है, नोटोरियस होता है, क्रिमिनल होता है या फिर टेररिस्ट होता है. टू बी नोन फॉर बैड एक्ट, जो बैड एक्ट के लिए जाना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं. फेमस होना, नोटोरियस होना, क्रिमिनल होना या फिर टेररिस्ट होना. फेमस, नोटोरियस, क्रिमिनल या फिर टेररिस्ट. ओके वेरी गुड, काफी लोगों के आंसर आ चुके हैं. तो फेमस तो आप जानते हैं, क्रिमिनल तो कोई क्राइम करता है तब जाना जाता है, टेररिस्ट जो टेरर फैलाता है या वगैरह. तो जो उसके बैड एक्ट्स के लिए, ठीक, जनरली हर जगह अप्लाई हो सकता है, उसे हम नोटोरियस कहते हैं. जो बहुत ज़्यादा शरारती हो या फिर कुछ गलत काम करे, बुरे कर्म करने वालों को हम नोटोरियस कहते हैं. वन हु इज नोटोरियस, वन हु डज बैड, समथिंग बैड, तो उसे नोटोरियस कहा जाता है. ओके, लेट्स प्रोसीड टू द अदर वर्ड. वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग, ठीक है, वर्ड्स जिनका मीनिंग सेम होता है. वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग, होमोनिम, स्यूडोनिम, एंटोनिम्स या फिर सिनोनिम्स. वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग, होमोनिम, स्यूडोनिम, एंटोनिम या फिर सिनोनिम, क्या आंसर होगा उसका. ओके गाइस, बताते चलेंगे. यस, तो ये तो आप पढ़ ही रहे हो, अभी पढ़ के आए हो. होमोनिम, स्यूडोनिम, एंटोनिम, सिनोनिम्स. एंटोनिम, सिनोनिम्स हम जानते हैं. स्यूडोनिम जिसी का फेक नाम होता है, होमोनिम, है ना. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिनोनिम. ओके, सिनोनिम कहते हैं हम उसे.
ऑपोजिट वाले को हम एंटोनिम कहते हैं, ऑपोजिट वाले को, उल्टे वाले शब्द को हम एंटोनिम कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं. इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेट्रोनोम, कंपास, पेडोमीटर या फिर बैरोमीटर. ये आपने फिजिक्स में ज़रूर पढ़ा होगा, राइट, ये आपने फिजिक्स में फॉर श्योर पढ़ा होगा, उसे हम क्या कहते हैं. बताते चले गाइस, व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मेट्रोनोम, कंपास, पेडोमीटर या बैरोमीटर. तो आपने ये पढ़ा है, कई बार पढ़ा होगा आई एम श्योर. यस, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड. तो करेक्ट आंसर इज डी, बैरोमीटर कहते हैं, है ना. बैरोमीटर जो होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, ठीक है. ये आपको फिजिक्स में भी पूछा जाता है, जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आता है. वेरी गुड, पेडोमीटर. ये पेडो जो वर्ड है, पेडो वर्ड होता है, ये रूट वर्ड है सॉइल के लिए, है ना. पेडोफाइल, पेडो, है ना. तो पेडो इस, या तो बैरोमीटर ध्यान रखिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार एग्जाम में आ चुका है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन. अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, ओके. अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना प्रीवियस प्रिपरेशन के जो आप स्पीच डिलीवर करते हैं उसे क्या कहते हैं. सॉलिलॉक्वी, एक्सटेम्पोरे, रेटोरिक या फिर एक्सप्रेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द, व्हाट इज द वन वर्ड फॉर अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन. सॉलिलॉक्वी, एक्सटेम्पोरे, रेटोरिक या फिर एक्सप्रेशन. व्हाट इज द आंसर गाइस. हाँ जी, बताते जाएंगे. वेरी गुड. कुछ लोग गलत आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग सही दे रहे हैं. ओके, सुजीत सेज डी, नंदन सेज बी, एम एस धोनी सेज सी, नवीन सेज बी. देखो गाइस, रेटोरिक इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू स्पीच, ठीक है. वन हु कैन स्पीक वेल इज नोन एज, जो अच्छा बोल सकते हैं उन्हें रेटोरिक कहा जाता है, ठीक है. जो अच्छा बोल सकते हैं, अगर हम सिर्फ उसकी टैलेंट की बात करें, दैट इज रेटोरिक. बट द करेक्ट आंसर इज एक्सटेम्पोरे. द करेक्ट आंसर इज एक्सटेम्पोरे. एक्सटेम्पोरे मीन्स जो बिना प्रिपरेशन के. आपका ये कॉम्पिटिशन भी होता होगा स्कूल में, अगर आपको याद होगा कि बिना प्रिपरेशन के आपको एक चिट, आपके पास एक बोल होता था, उसमें चिट होती थी बहुत सारी, और उसमें से आपको कोई भी टॉपिक पिक करना होता था और आपको उस पर बोलना होता था, राइट. उसे एक्सटेम्पोरे कहा जाता है. बिना प्रिपरेशन के आपको किसी टॉपिक में जो बोलने को पड़े, है ना, उसे एक्सटेम्पोरे कहा जाता है. सॉलिलॉक्वी नहीं होता. सॉलिलॉक्वी सोल मतलब अपने आप से बात करना है. सॉलिलॉक्वी वन पर्सन, वन पर्सन इज स्पीकिंग, दैट इज सॉलिलॉक्वी, ठीक है. तो एक्सटेम्पोरे का ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आते हैं कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग, ठीक है. इसमें कंफ्यूज नहीं होना. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, क्रोकोडाइल, हाँ, फ्लैटर, हिपोक्रीट या फिर काउंटरफीटर. ठीक, काउंटरफीट कहते हैं वैसे, ठीक है. वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, क्रोकोडाइल तो होता है ना, हम मगरमच्छ के आंसू, क्रोकोडाइल टीयर्स, वो होता है. फ्लैटरर होता है, फ्लैटरी करता है. हिपोक्रीट होता है या फिर काउंटरफीट होता है. क्या आंसर होगा. श्वेता सी, नंदन डी, आलिया सी, नवीन सी, ओके, आयुष सेस बी, विनोद सेस, ओके, लास्ट क्वेश्चन का आंसर था. क्या होगा. सो गाइस, द वर्ड इज, द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज हिपोक्रेट, है ना. हिपोक्रेसी कहते हैं ना, जो लोग होते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं. ये वर्ड आप अच्छा खासा यूज कर सकते हो. तो कई लोग होते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, प्रिटेंड कुछ और करते हैं. तो जो लोग बहुत प्रिटेंड करते हैं ना, उनको हम हिपोक्रेट्स कहते हैं. मतलब वट काइंड ऑफ हिपोक्रेसी इज दिस, ठीक है. ये हिपोक्रेसी कहा जाता है, और पर्सन को हिपोक्रीट कहा जाता है. वन ऑफ प्रिटेंड्स कि वो कुछ है, जैसे कि हमारे इंडिया में बाबा लोग बहुत ज़्यादा हिपोक्रीट हैं, जैसे हम लोगों ने कुछ बाबाओं को देखा ही है ना गाइस, तो उन्हें हिपोक्रीट कहा जाता है. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, ओके. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज. एस्ट्रोलॉजी,
एस्ट्रोनॉमी, स्टार गेजिंग या फिर एस्ट्रोफिजिक्स? व्हाट स्टडी ऑफ हेवेनली बॉडीज, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रो गेजिंग या फिर एस्ट्रोफिजिक्स? क्या आंसर होना चाहिए? बताते जाएंगे गाइस, बहुत अच्छे से आपको पता है, ये आपने वर्ड कई बार सुना भी होगा अपने आसपास, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, स्टार गेजिंग या फिर एस्ट्रोफिजिक्स। स्टडी ऑफ हेवेनली बॉडीज, इट्स सिंपली स्टडी ऑफ हेवेनली बॉडीज। हेवेनली बॉडीज की जो स्टडी होती है उसे एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, स्टार गेजिंग या फिर एस्ट्रोफिजिक्स। ओके, सो नवीन बी, श्वेता, आलिया, जॉर्डन बी, ओके, नवीन बीबी, नंदन बी, तो सबका आंसर बी है, तो ऑफ कोर्स आंसर बी ही है, राइट? एस्ट्रोलॉजी इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ स्टार्स विच अफेक्ट्स अ पर्सन। तो एस्ट्रोलॉजी उसे कहते हैं जो हम कुंडली वगैरह जो कहते हैं, जो आप जानते होंगे, ठीक है, दैट इज एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी व्हेन इट वी आर प्लेनली स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, जैसे मार्स के बारे में स्टडी करना, मून के बारे में स्टडी करना, दैट इज नोन एज स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज ना। जैसे हम मार्स मिशन और दुनिया भर के हम आजकल प्लैनेट्स को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, एलन मस्क स्पेसिफिकली एस्ट्रोनॉमी ही कर रहे हैं, है ना, तो ही इज ट्राइंग समथिंग फॉर दैट। एस्ट्रोलॉजिस्ट विद्या, ज्योतिष विद्या, यस दैट इज राइट जॉर्डन, ज्योतिष विद्या को एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑफिशियल कॉल टू अपियर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, एन ऑफिशियल कॉल टू अपियर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, समन, नोटिस, मेमोरेंडम या फिर पिटिशन? ठीक है, समन, नोटिस, मेमोरेंडम या फिर पिटिशन। तो अभी आपके एनसीबीज के जो केसेस चल रहे हैं तो उसमें ये अपने वर्ड सुना होगा, क्योंकि आजकल आप सारे लोग उसको बड़ा क्लोजली देख रहे हैं, अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ गए, तो मगर आपको ये टॉपिक्स पता होगा, है ना। तो जब किसी को कोर्ट से बुलावा आता है उसे हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी के एग्जाम्स में आ चुका है, दैट इज समन, नोटिस, मेमोरेंडम और पिटिशन। वेरी गुड गाइस, तो उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, उसे हम कहते हैं समन करना किसी को, है ना, समन करना मीन्स बुलावा भेजना, ओके, बुलावा। तो किसी प्रकार का बुलावा जो होता है, कॉल जो होती है, उसे समन कहते हैं, ठीक है, समन्स कहते हैं वैसे उसको, समन्स वर्ड होता है और इसका प्लूरल समन्सेस होता है, ध्यान रखना एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, समन्स, यस दिस इज प्लूरल एंड दिस इज सिंगुलर, समन्स होता है और समन्सेस होता है, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बुलावा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बुलावा, जब कोर्ट से बुलावा आता है उसे समन्स कहा जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, अ कट अपार्ट, टू कट अपार्ट अ पर्सन्स बॉडी, ओके, टू कट अपार्ट अ पर्सन्स बॉडी, क्या कहते हैं उसे? टू कट अपार्ट अ पर्सन्स बॉडी, एम्प्यूटेट, म्यूटिलेट, एम्बुश या फिर मिटिगेट? टू कट अपार्ट अ पर्सन्स बॉडी, एम्प्यूटेट करना, म्यूटिलेट करना, एम्बुश करना या फिर मिटिगेट करना, क्या आंसर होगा? एम्प्यूटेट, म्यूटिलेट, एम्बुश या फिर मिटिगेट? बताते जाएगा ये जल्दी से आंसर। टू कट अपार्ट अ पर्सन्स बॉडी, संदीप इट्स बी, ओके, आयुष ए, प्रशांत बी, नवीन ए, ओके, सबके अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं? क्या करेक्ट आंसर गाइस आपका होगा? म्यूटिलेट करना, है ना, म्यूटिलेट करना, बी पी, जिसने बी बोला है वो करेक्ट है। टू कट अपार्ट पर्सन्स बॉडी, ठीक है, तो किसी की बॉडी को कट अपार्ट कर देना उसे हम कहते हैं म्यूटिलेट करना, ठीक है, दैट इज नोन एज म्यूटिलेट। ओके, तो गाइस आई होप आपको सेशन जो है बहुत पसंद आया होगा। अभी 4:15 में आपका एक स्पेशल सेशन है, दैट इज योर फ्री सेशन, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं।
वो फ्री है, आप कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आप लोग परनीत कौर सर्च कर लीजिएगा, अगर आपको सर्च करना ना मिले तो द इट इज़ परनीत कौर, ओके। एंड आप लोग मेरा कोड अप्लाई कर सकते हैं अनअकैडमी में। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर SSC, आप किसी भी कैटेगरी के ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे SSC, चाहे बैंक, रेलवेज, ओके, यू गो ज्वाइनिंग फॉर नीट, IIT, आपके कैट के एग्जाम्स के लिए, या फिर आपके मेडिकल एग्जाम्स के लिए, या फिर UPSC के लिए, PCS के लिए, किसी भी कैटेगरी के लिए, इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अनअकैडमी, और योर ब्रदर्स, सिस्टर्स, योर कजन्स, योर फ्रेंड्स, कोई भी अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहता है, तो आप उनको ये कोड ज़रूर रेफर कीजिएगा, PRA10। दिस विल गिव यू डिस्काउंट, दिस कोड विल गिव यू डिस्काउंट, ये कोड आपको डिस्काउंट देगा। प्लस अभी ऑफर चल रहा है अनअकैडमी में, 1 ईयर पे आपको 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, फ्री मिल रहा है ये, और 2 ईयर पे आपको 8 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। ये मैंने आपको अभी बताया ही था, लेट मी जस्ट शो इट, या ओके, या तो मैंने अभी आपको ये शो किया था, तो इसमें आपको स्पेसिफिकली मेंशन किया है, जी दिस ऑफर इज वैलिड टिल 31st October, ठीक है। तो ये ऑफर जो है ये सिर्फ 31st October तक ही वैलिड है, तो आप इसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। और आज 29th ऑलरेडी हो चुकी है, तो अगर आप इस ऑफ़र को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसको आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि आपको अभी फोर मंथ का अनअकैडमी में अच्छा खासा कॉस्ट है, 8 मंथ का आपको काफ़ी मंथ्स फ्री मिल रहे हैं, ओके। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको अराउंड 5 से 6 हज़ार में, मतलब आपको 5 से 7 हज़ार के बीच में आप 1 साल या 2 साल का ले सकते हैं, ठीक है। कैसे, आपको कोड अप्लाई करोगे परी10, ठीक है, एक तो ये कोड अप्लाई करोगे, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस अपने कॉइन्स को रिडीम करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा खासा, बोलते हैं ना, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो उस अच्छे खासे डिस्काउंट को आप अवेल कीजिए, और मुझे लगता है 5.5 से 7.5, मतलब 5.5 के आसपास आपको 1 ईयर का पड़ता है, और 6.5 के आसपास आपको 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन पड़ता है। एंड गाइस, 2 साल के लिए आप लोग कम्प्लीटली फ्री हो, है ना, मतलब हर आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज पे आपको स्पेसिफिकली स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, मॉक्स पे आपको स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑल सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे यहाँ पे, तो सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने का मौका मिल जाएगा, तो सब कुछ बहुत बढ़िया है गाइस, है ना। तो आप इनको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, कोड आपको बता ही दिया है, कोड है परी10, ठीक है जी। तो अभी हम मिलेंगे 4:15 में अपने स्पेशल क्लास में, तो आप लोग ज़रूर आइएगा, अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा। 3 तारीख को बहुत सारे बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, ओके, दिस इज प्रतियोगिता मंत्रा की बैच, कंप्लीट SSC की बैच, फिर आपकी CET की बैच स्टार्ट हो रही है, फिर आपकी SSC CPO की बैच स्टार्ट हो रही है 3rd November को, फिर आपकी सफलता बैच स्टार्ट CGS HSL के लिए स्टार्ट हो रही है, आपकी टीम फिनिक्स की बैच स्टार्ट हो रही है, तो बहुत सारी बैचेस आप लोगों के लिए स्टार्ट की जा रही हैं, तो आप इसको मिस तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ओके गाइस। चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, चिल आउट, स्टडी हार्ड, और 4:15 में मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर, बी हैप्पी।